और दूसरा कुछ और हिडन uh, चीजें भी है अच्छी तो हम पढ़ने वाले हैं आज और सेल बाय डिजाइन एंड नॉट बाय चांस तो एजेंडा में छोटा ही लिखा है बट देर आर सम हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स दैट वी विल कवर ओके ओके सो सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेशन हियर देयर इज कोट फॉर यू बाय हु इज द सेल्स गुरु जिनकी टीचिंग्स पे ये आधारित है ये कोर्स यू विल नॉट गेट रीड ऑफ द बटरफ्लाइज बट यू कैन गेट देम फ्लाइंग इन फॉर्मेशन तो पेट में बटरफ्लाइज आती है सबको पता है तो देखो ये कितनी अच्छी कोट है कि आप बटरफ्लाईज़ को निकाल तो नहीं सकते हो उस फीलिंग को लेकिन उनको फ्लाइंग इनफॉर्मेशन तो कर सकते हैं उस बटरफ्लाई से ही क्रिएटिविटी तो फॉर्म कर सकते हैं उसी को आर्ट बना सकते हैं so, हमें जब तकलीफ आ रही है इमोशन आ रहा है तो उससे घबराना नहीं है उससे वेवर नहीं होना है उसको फॉर्मेशन में फॉर्म करना है ओके okay? ओके okay. चलो अभी नए अपने टॉपिक की तरफ चलते ओके okay. बहुत बड़ा ये टॉपिक है सेल्स इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मरना है, है ये <laughs> किस कॉल से लोग बड़ा डरते हैं तो अभी पढ़ते हैं चलो पहले पॉइंट्स इफ यू फील नो एंग्जायटी इन मेकिंग द सेल्स कॉल योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर डिमिनिश्ड ये क्या बात लिखी है देखो ओके okay. तो अभी इन पॉइंट्स को समझते हैं तो देखो कॉल पहला पॉइंट क्या है कि अगर कॉल करने के पहले आपको एंग्जाइटी नहीं आ रही है बिल्कुल भी तो ये पॉजिटिव साइन नहीं है एक्चुअली कुछ डर आना नॉर्मल है क्योंकि जब हम स्टेज पे जाते हैं तो डर आता है जब हम रोड क्रॉस करते हैं तेजी से हाईवे पे गाड़ियां चल रही हैं आपको डर लग रहा है अंदर शिवर हो रहा है तो ये कुछ डर नॉर्मल है क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए वो आपकी आपकी बॉडी का डिफेंस है वो. उसी तरह से आप स्टेज पे जा रहे हैं प्रेजेंट होके जा रहे हैं कि नहीं प्रिपेयर्ड है कि नहीं ये डर नॉर्मल है आप किसी इंपॉर्टेंट कस्टमर को कॉल करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा डर थोड़ी सी एंगजाइटी आना ये नॉर्मल है सो देट यू गो प्रिपेयर तो इससे घबराना नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि डर जरूरन

कॉल करने को प्रोक्रेस्टिनेट करना कॉल करने के लिए घबराना कॉल करने को बहाने देना या कॉल करते 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 देर लगाना करने अरे नहीं कर लूंगी कर लूंगी क्योंकि अंदर कहीं डर है अंदर कहीं टाल रहे हैं उसको अंदर कहीं हेजिटेशन है उसके पीछे तो ये एट्टी फोर परसेंट सेल्स टेली सेल्स एनी काइंड ऑफ सेल्स पीपल के साथ ये है ओके okay? तो कॉल रिलेक्टेंस अगर किसी को आ रहा है सेल्स में यहाँ पर या यह आता है तो उससे घबराओ मत ये बहुत लोगों के साथ है ये चीज़ और कॉमन है थोड़ा एंगजाइटी आना कॉमन है नॉर्मल है ओके okay?

प्रोक्रेस्टिनेट का तो जब भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कॉल लगाने के पीछे कॉल लगा ही नहीं रहे हो टाल रहे हो कहीं ना कहीं तो अपने अंदर ही झांकना जानोगे कि ये फियर ही है अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है प्रोक्रेस्टिनेशन के रूप में वो सर उठाता है ये फियर काफी तरीके से आता है बट प्रोक्रेस्टिनेशन इज द नंबर वन फैक्टर विच टेल्स यू दैट यू आर स्केर्ड ओके तो अभी आगे बढ़ते हैं अब देखो बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अब अब कैसे करोगे अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के कई तरीके हैं कुछ लोग पुशअप्स करते हैं कुछ लोग काज के सामने बात करेंगे कुछ लोग जोक सुनाएंगे खुद को पहले भी कई टेक्निक्स हमने डिस्कस किए कुछ लोग विजुअलाइज करेंगे कुछ टेक्निक्स आप लोग फॉलो भी करते होंगे तो अभी हम ये कुछ दो टेक्निक्स यहाँ पे पढ़ते हैं रिप्ले द टेप्स इन योर माइंड ऑफ योर पास सक्सेस एंड एंड ओके वॉच देम एंड डेल्व इन देम यानी आपने जो पास्ट में डील्स जीती है जो कॉल्स आपने सक्सेसफुली क्लोज की है बड़ी से बड़ी डील्स आपने क्रैक की है एक लाख की है दस लाख की है पांच लाख की है जो भी है आपने बड़े से बड़े कॉल्स कन्वर्ट किए हैं अच्छे से अच्छे कस्टमर्स जो आज तक कस्टमर्स हैं आपके लाइफ साइकिल कस्टमर की बड़ी है उस कॉल्स की वजह से आपने इंप्रेस किया है कस्टमर्स को और वो आपके फैन बन गए हैं या कंपनी के फैन बन गए तो वो डील्स को याद करो वो अच्छे सक्सेस को याद ओके पॉइंट नंबर टू रिमेंबर द मोर सक्सेसफुल अ पर्सन बिकम्स

कोई टेलीकॉलर को नर्वसनेस आ रही है वो बोलेगा ये तो मैं तीन साल से कर रही हूँ ऐसे तो बहुत कस्टमर मैंने क्लोज किए हैं डरने की क्या बात है आज हमारी अलग अलग एंगल से तो कॉल रिलेक्टेंस में क्या क्या आता है कॉल नहीं लगा पाते हैं कितने लोगों को ये तकलीफ होती है थोड़ा सा हमने बेसिक समझा की एंगजाइटी थोड़ी तो जरूरी है फिर हमने समझा अभी कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना अब हम देखेंगे फोकस कैसे बिल्ड होता है प्रॉपर फोकस कैसे है सेल्स पर्सन का फोकस कैसे रहे अपने काम पर कैसे वो कन्वर्ट करता है चीजें तो मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ समझ में आ जाएगा रिमेंबर दैट सेलिंग इज अ ट्रांसफरिंग ऑफ फीलिंग ये अच्छे से समझ लो आज आप पिच दे रहे हो ना तो पिच आपकी वर्ड्स को ट्रांसफर नहीं कर रही है आपकी फीलिंग को ट्रांसफर कर रही है यू आर ट्रांसफरिंग यूर फीलिंग टू द कस्टमर सो वॉट यू आर से

वेरी गुड दिस प्रोडक्ट इज वेरी नाइस इट्स वेरी गुड डिस्काउंट राइट नो भी बोलोगे अपनी स्टाइल में अपने कस्टमर को अंडर कर ट्रांसफर इम्पोर्टेंट है एटीट्यूड रखना करेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्माइल करना बहुत जरूरी है और स्माइल करना ऐसा नहीं मोस्ट सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल्स मेक द कॉल विद द प्रोस्पेक्ट एज द सेंटर नॉट देयर फोकस गुड सेल्स पीपल जो होते हैं वो पैसे पे कमीशन पे प्रमोशन पे ग्रोथ पे उनका फोकस नहीं होता है प्रोस्पेक्ट पे फोकस होता है ये कस्टमर की जिंदगी में कैसे बना दू आज ये कस्टमर की मेरे से कॉल लग गई है ना तो ये कॉल रखते रखते मैं इसको हैप्पीनेस की फीलिंग में कैसे पहुंचा दू ये जिस प्रॉब्लम से गुजर रही है, गुजर रहा है ये मेरा क्लाइंट मेरा प्रोस्पेक्ट मेरा कस्टमर इसको मैं यू you नो know, एकदम रिलैक्स फीलिंग में कैसे ले आऊ फोन रखते रखते ही फोन खत्म हो जाए और फोन खत्म होते होते ये रिलैक्स भी हो जाए इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ये जो फोकस है ना दिस इज द करेक्ट फोकस ऑफ सेल्स पर्सन प्रॉपर फोकस देखो तो स्लाइड का टाइटल ही क्या है प्रॉपर फोकस क्या होना चाहिए सेल्स पर्सन का लेकिन हमारा होता है क्या कभी कभी होता है ऐसा तो कभी कभी होता है तो क्या होता है कभी कभी सेल होती है इज हमेशा सेल क्यों नहीं होती है तो हमेशा सेल भी हो सकती है हमेशा सेल कैसे होगी जब आपका फोकस कस्टमर पर है कस्टमर की खुशी पे फोकस है आपका कस्टमर की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूं, किसी भी हद तक जाकर चाहे डिस्काउंट देना पड़े चाहे दस बार कॉल लगाना पड़े चाहे कस्टमर की थोड़ी बहुत डांट सुननी पड़े चाहे किसी और लोगों से बात करवाना पड़े चाहे थोड़ा होमवर्क करके दोबारा कॉल करना पड़े आपने कोई भी मेहनत की लेकिन क्यों क्योंकि आपका फोकस सही जगह पर था अब प्रमोशन के लिए नहीं कर रहे देखो प्रमोशन बोनस मनी ऐसा नहीं बोला जा रहा कि ये सब चीजें नहीं आएंगी ये सब तो हमने पहली स्लाइड में ही समझ लिया था पहले सेशन में कि सेल्स लोगों को ये सब चीजें मिलती है तो ये सब तो होता ही है बोनस में ही हो जाता है लेकिन आपका फोकस इन पर नहीं है पैसे पर फोकस नहीं है कि मेरा कमीशन क्लोज हो जाए तो फिर गलत फोकस है तो फिर सेल क्लोज नहीं होगी तो फिर कस्टमर तक वो फीलिंग पहुंच रही है ओके थर्ड पॉइंट सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशन मेक द कॉल फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रॉस्पेक्ट एंड फॉर देयर पर्सनल गेन इन दैट ऑर्डर ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर में पहले क्या आया बेनिफिट ऑफ द प्रोस्पेक्ट बाद में क्या आया हैप्पीनेस और ग्रोथ ऑफ द सेल्स पर्सन सेल्स सेल्स एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव तो का जो पर्सनल एजेंडा है ग्रोथ है सब कुछ आ गया उसमें कमीशन प्रमोशन वो बाद में है पहले प्रोस्पेक्ट का बेनिफिट है ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ये याद रखना एज अ सेल्स पर्सन ये ऑर्डर याद रखो तो देखो आप लोगों को तो अच्छा सेल्स पर्सन बनना है ना हम सेल्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं ना ये ये सेल्स की ट्रेनिंग है तो आपको समझना है कि प्रॉपर फोकस कहाँ है एक अच्छा सेल्स पर्सन जो चांद की तरह चमकता है बाकी सारे सेल्स पीपल जो छोटे-छोटे तारे हैं जो अंधेरे में दिखते हैं नहीं दिखते हैं। लेकिन एक सूरज और एक चांद की तरह जो सेल्स पर्सन शाइन होता है ग्रो होता है वो कौन होता है उसका फोकस करेक्ट होता है उसका फोकस करेक्ट होता है नो मैटर व्हाट ये समझ लो आज कुछ चीजें यहां से यू नो टेक होम लेकर ही जाओ सेल्स में हर ट्रेनिंग में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है बट कुछ चीजें तो समझ ही जाओ फोकस की बात तो समझ ही जाओ कॉल रिलेक्टेंस तो बात कर ही रहे बट अंडरस्टैंड के फोकस पहले करेक्ट कर लो और ये जानबूझ होगा ऐसा नहीं है कि देखो आपको आपके पैसे के बारे में नहीं सोचना है, ऐसा कोई नहीं कह रहा है आपकी ग्रोथ तो होने ही वाली है आपकी कमीशन प्रमोशन कुछ नहीं रुकने वाला है लेकिन फोकस अगर करेक्ट ऑर्डर में है ना तो बारिश होने वाली है एक्चुअली प्रमोशंस और कमीशन की क्योंकि सही डायरेक्शन से फिर सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम को ओके okay? चलो अभी आगे चलते हैं तो स है है? तो है, का ही दूसरा नाम है ये टेलीफोन टेरर फोन उठाने में भी टेरर आता है कॉल लगाने में भी टेरर आता है टेरराइज कर रहे हैं कस्टमर्स मुझे करते हैं <laughs> धमकियां देते हैं टेरराइज करते हैं कंप्लेंट कर देंगे पुलिस में डाल देंगे बोलते हैं ना सब तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉज है कि आपकी कॉल का ऑब्जेक्टिव सेट नहीं है आपको पता ही नहीं है कि मैं अब्यूजिव कस्टमर अगर मिल गया तो मैं क्या करूंगी आपने nervous हो गई, आप नर्वस हो रोने लग गए <laughs> और जैसे मैंने पहले ही सेशन में बताया था कि वो पर्सनली आपको कुछ नहीं बोल रहा है वो कंपनी को बोल रहा है और वो अपना ही फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट कर रहा है ये समझ लो तो फिर आप आप क्लियर है आप अच्छे सेल्स पर्सन है मेच्योर है प्रोफेशनल है तो फिर आप घबराए नहीं आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है कॉल के कॉल का एक एजेंडा है ना कि मैं कॉल करूंगी मैं अच्छे से ही ग्रीट करने वाली हूँ मेरी वॉइस में स्माइल होगी मैं अपनी पिच में परफेक्ट हूं मैं मिलियन डॉलर सेल्स क्लोज कर चुकी हूं तो ये कॉल क्या चीज है और कैसा भी कस्टमर होगा तो मैं प्यार से ही बात करूंगी आई एम ट्रेन टू आंसर ऑल दब्जेक्टिव रियली वेल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली माई फोकस इज करेक्ट नाउ द रिमेनिंग टू पॉइंट आर एन एक्सटेंशन ऑफ दिसंट इट सर डिटरमाइन वाई आर यू मेकिंग द कॉल तो ये कॉल जब करते हो तो आपको अपना वाई पता है वाई क्या है मुझे बताओ तो जो हमने फोकस वाली स्लाइड देखी ना इससे पहले इन दैट ऑर्डर द द द फोकस बेनिफिट ऑफ कस्टमर कम्स फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द प्रोस्पेक्ट कम्स फर्स्ट योर पर्सनल गेन विल कम सेकेंड तो वो जो बेनिफिट ऑफ द प्रोस्पेक्ट है दैट इज योर वाई फोकस से भी क्लियर हो गया इस स्लाइड से भी क्लियर हो जा रहा है इतने सारे वर्ड्स में मैं अलग अलग तरीके से देखो बता रहा हूँ ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिख कर रख लो डायरी में चिपका दो दीवार पे जो जो टेलीकॉलिंग करते हैं तो, in तो मैं हमेशा बताता क्योंकि स्माइल पहुंचती है आपका लाफ लाफ्टर पहुंचता है आपकी आवाज में पहुंचता है ना आपका इमोशन हैप्पीनेस पहुंचता है सामने वाले तक तो वीडियो कॉल करना है सामने जाके मिलना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है आप ऑडियो कॉल पे भी हंसो ना स्माइल तो करो हसना नहीं है जोर जोर से तो कम से कम स्माइल तो करो स्माइल एंड डायल ये फॉर्मूला बनाओ आपके कॉल्स का चलो अनदर फॉर यू यू द द द फर्स्ट फ्यू आर ऑन फोन विल सेट स्टेज मूड एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन सो हैव अ प्लान अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है ये क्या बता रही है कि पहले जो कुछ सेकेंड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले फ्यू सेकेंड्स ही हम वेस्ट कर देते हैं कर देते हैं ना हर चीज के साथ हर कम्युनिकेशन का ना एक पहला मिनट होता है उसमें भी कुछ पहले सेकंड्स होते हैं पहले पंद्रह सेकंड्स टू बी एग्जैक्ट फर्स्ट फिफ्टीन सेकंड्स मेक और बेक ब्रेक योर एनी कम्युनिकेशन विद योर बॉस विद योर कस्टमर विद योर कलीग विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स फर्स्ट फिफ्टीन सेकेंड्स सेट द स्टेज जिसको फ्रेमिंग बोलते हैं तो फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपेयर प्रिपेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके नाउ लेट्स कम टू द बेस्ट टाइम टू कॉल तो ये भी लोग पूछते हैं आखिर उससे कि सुबह कॉल करना चाहिए सर कॉल नहीं उठाते हैं शाम को कॉल किया तो ऑफिस से घर आते हैं लंच में कॉल किया तो खाना खाते हैं। रात को कॉल कर नहीं सकते कब कॉल करने का <laughs> कोई टाइम ही नहीं है कॉल करने का कब टाइम कॉल करना चाहिए

उससे आप शुरू कर सकते हो टू चेक इफ दे है अगर कस्टमर बोलेगा नो आई एम बिजी यू विल कैन आई कॉल यू एट पीएम व्हेन कैन आई कॉल यू व्हेन कैन आई कॉल यू टुमारो इज इट इज 3 पीएम ओके फॉर यू अवेलेबल इन 2 आवर्स इजंट इट दिस काइंड ऑफ योर नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो ये कैसे होगा ये चीज फिक्स ये फिक्स होगा जब आप उसका सिस्टम बनाओ सेल्स पीपल के लिए सिस्टम भी होना चाहिए नाउ थर्ड पॉइंट इफ यू हियर नॉइजेस और शफलिंग प्रोस्पेक्ट इज नॉट गिविंग यू देयर अनडिवाइडेड अटेंशन तो पीछे से अगर उनके बच्चों की चिल्लाने की आवाज आ रही है पेपर्स फाइल्स मोड़ रहे हैं तोड़ रहे हैं कुछ लिख रहे हैं पीछे से लोग बात कर रहे हैं तो आप प्रोस्पेक्ट को पूछ सकते हैं इंटेलिजेंटली के इट्स दैट यू आर बिजी विद समथिंग एल्स कैन आई कॉल यू सम टाइम बैक एट दिस टाइम तो आपको ये कस्टमर देखो इग्नोर भी करता है ना अलग तरीके से आपका फ़ोन लेके बाजू में रख दिया दूसरे से बात कर रहा है कुछ फाइल पढ़ रहा है कोई और मीटिंग में आपका फ़ोन उठा लिया है ट्रैफिक में फ़ोन उठा लिया है तो आप कई बार कस्टमर बोल नहीं पा रहा है ट्रैफिक की काम की वजह से दूसरे प्रॉब्लम्स की वजह से तो आप खुद ही बोल सकते हैं कि सर कैन आई कॉल यू बैक इन थर्टी मिनट्स कैन आई कॉल यू बैक इन बनावर आई डोंट सी दैट यू आई आई सी दैट यू मे साउंड यू साउंड बिजी राइट नाउ कैन आई कॉल यू बैक क्लियर ओके okay. और कब कॉल करना है जब कस्टमर बोलता है तब कॉल करना है कब बेस्ट है कॉल करना मॉर्निंग में ही कॉल करना बेस्ट है क्योंकि आपको कॉल बैक का टाइम मिलता है दूसरा बेनिफिट पहला बेनिफिट तो हमने पढ़ लिया कि एनर्जी सबकी हाई होती है मॉर्निंग में लोग फ्रेश होते हैं डिसीजन मेकिंग आसान होता है फास्ट होता है नाउ लेट्स गो टू द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स ड्रेस फॉर सक्सेस तो देखो ड्रेस कोई बोलेगा कि फिजिकली फिर से कि फिजिकल जाना है क्या कि कस्टमर के ऑफिस में जाके प्रेजेंटेशन देना है क्या देखो बहुत सारे सेल्स लोगों को ये करना पड़ता है ना इन फील्ड इन ऑफिस डोर टू डोर फेस टू फेस मार्केटिंग फील्ड फेस टू फेस सेल्स वो लोग करते हैं तो वो लोग ऑफिस में भी जाते हैं अपॉइंटमेंट्स लेते हैं तो डेफिनेटली यू शुड ड्रेस वेल यू शुड ड्रेस क्लीन वेयर क्लीन क्लोथ प्रोफेशनल शेविंग करो मेकअप करो शॉवर लेके जाओ तो ये सब तो जरूरी है लेकिन कॉल लेते वक्त ये कोई पूछेगा अरे इसकी क्या जरूरत है तो देखो कॉल लेते वक्त भी आपका एटीट्यूड बिल्ड होता है अगर आप अच्छी ड्रेस पहन के बैठते हैं आप रिलैक्सड हैं आपने शॉवर लिया है क्लीन फेस आपका वॉश्ड है तो आप फ्रेश फील करते हैं एक फ्रेशनेस रहता है इट मेक्स अ डिफरेंस इन योर वॉइस एंड एक्सप्रेशन एंड योर प्रोस्पेक्ट्स विल नो हैव यू गिव योर हैव यू गिवन योर सेल्फ अ गुड सेल्स टॉक अ गुड पेपटॉक जैसे हमने समझा कुछ अफर्मेशन कुछ पेपटॉक खुद के ही कंधे पे टैप करके आपने कुछ कॉन्फिडेंस के वर्ड्स बोले हैं क्या अफरमेशन बोले हैं क्या अच्छे से ड्रेसअप होके बैठे हो क्या तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है यू हैव टू ड्रेस फॉर सक्सेस